तो एक ओर जहां देश और प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम योजना चलाकर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिन्हें वनों का रक्षक बनाया जाता है वो वन रक्षक उन वनों की बलि चढ़वाने में लगे हुए हैं। मामला इछावर वन परिक्षेत्र के उपवन परिक्षेत्र के वन ग्राम ढाई खेड़ा का है, जहाँ वन रक्षक के असंवेदनशील रवैये से दो बने प्लांटेशन पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वही सूत्रों की माने तो विभाग की भगत से ही अतिक्रमण हो रहा है। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो जिस जगह पर नर्सरी प्लांटेशन था वहां खेत और एक टपरी बनी मिली, जहां कल तक चारागाह था वहां पर पूरा खेत बन गया, जिसमें मक्के की फसल देखने को मिली। नियम अनुसार एक नर्सरी 5 साल तक रहती है, लेकिन यहाँ तो 2 सालों में ही पूरी खत्म हो गई, यहाँ तक की तार और खंबे भी गायब है। वही वन रक्षक का कहना है कि 3 दिनों के अंदर अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई की जाएगी। वही सीहोर से जवाहरी लाल बामनिया की रिपोर्ट। इसी मामले की और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीहोर से मनीष कुमार विश्वकर्मा, जो कि नगर मंडल अध्यक्ष हैं छावर के। जी मनीष जी, तो एक ओर जहां सरकार पूरी मेहनत कर रही है पेड़ लगाने में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत, वहीं दूसरी ओर वन अधिकारी जो कि वन के रक्षक कहे जाते हैं वो वन का धड़ल्ले से बर्बादी कर रहे हैं, वन के वृक्ष काट रहे हैं, तो ये क्या है पूरा मामला? मैडम जी, आप कुछ लोगों के माध्यम से पता चला और अभी आपने भी मुझे बताया है, इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक माननीय करण सिंह वर्मा जी और जो कि वर्तमान में राजस्व मंत्री हैं उनसे चर्चा करके और जो भी संबंधित जो भी अधिकारी होगा उसको कार्रवाई कराई जाएगी और जो जी जो भूमि अतिक्रमण में गई है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जी भाई, ये 2 वर्ष पहले से जो खेती हुई है ये बहुत पहले से चली आ रही है, तो ये आपको कब संज्ञान में आपके? जो अभी कल परसों अखबार में प्रकाशित हुई थी खबर, उसी दौरान पता चला और अभी आपके द्वारा भी बताया गया है, इसमें गंभीरता से कार्रवाई कराई जाएगी। जी भाई, अब इस पर आप क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या क्या इस पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, आप ये भी बता दीजिए हमें। संबंधित जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होगा उनसे विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी, इसमें जांच कराई जाएगी कि किसने इनको परमिशन दी अतिक्रमण करने के लिए, कौन ने इन लोगों को उकसाया है या कौन ने इनको परमिशन दी कि आप ये अतिक्रमण कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ मनीष कुमार जी। तो ये छावर का मामला सामने आ रहा है जहां पे वन अधिकारी जो कि वन रक्षक कहे जाते हैं वो वन की धड़ल्ले से बर्बादी कर रहे हैं, वृक्ष काटते जा रहे हैं लगातार और खेती कर रहे हैं, जहां पे वृक्षारोपण होना चाहिए था वहां पे खेती की जा रही है, तो ये बड़ा लापरवाही का मामला सामने आ रहा है अधिकारियों द्वारा। जहां सरकार बहुत पेड़ लगा रही है एक पेड़ के तहत, लेकिन वही दूसरी ओर वन अधिकारी इस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी मामले में और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जवाहरी लाल बामनिया। जी जवाहरी जी, तो एक मामला सामने आया है जहां वन विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सरकार एक ओर दावा कर रही है कि एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत लगातार वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, वही दूसरी ओर वन रक्षक कहे जाने वाले वन अधिकारी धड़ल्ले से इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि वन विभाग के नुमाइंदे ही इस योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जिस जहाँ एक और ब्रजेश नगर के ढाईखड़ा बीट पर विगत दो वर्ष पहले नर्सरी लगाई गई थी, उसमें आज आप मौजूद जाके देखेंगे तो एक वृक्ष आपको नहीं मिलेगा, ना ही एक पौधा मिलेगा। जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी हैं। जी आप बोल रहे हैं ये अधिकारियों की मिली भगत से सामने आ रही है, ये कितने समय पहले से होते आ रहा है, क्योंकि खेती करने में भी टाइम लगता है और यह मतलब मामला बहुत पहले से हो रहा होगा। जी जी, इसमें लगभग 1 वर्ष पहले से चला आ रहा है। जी वही जी, कोई अधिकारी का बयान, वन अधिकारी या इसमें सब केंद्र से सामने आकर बचना चाह रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी। जी शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यह पूछना चाहूंगी कि
वन रक्षक, जो कि वन के रक्षक कहा जाते हैं, वन अधिकारी की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, तो इस पर आपको क्या पता है, इस पर हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। मध्य प्रदेश में लगातार जो वनाक्षेत्रजन है वो कम होता जा रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। सीहोर में एक समय में चाहे वो बुधनी हो चाहे छावर हो, बहुत वन संपदा थी, बहुत वृक्ष थे और बहुत बड़ा जंगल का इलाका था, लेकिन लगातार कटाई होती जा रही है और जिनके जिम्मे इनका बचाव का सुरक्षा की है, अगर वही ये कृत्य करने लगे तो क्या जाएगा। राजस्व मंत्री का इलाका है और उसके बाद किसी मंत्री के इलाके में अगर अधिकारी बेलगाम होंगे तो आम जगह का क्या हाल होगा, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। वनों की कटाई के कारण जो वन्य पशु हैं, हिरने हैं, आज किसानों के खेतों पे पहुंच रही हैं, उनका नुकसान अलग हो रहा है, और क्योंकि उनका जो रिहायश इलाका है वहां पर वन काटने के बाद तो कहीं ना कहीं अवैध कब्जे हो रहे हैं, और ये लगातार खेल एक वन माफिया का सीहोर जिले में लगातार कई वर्षों से देखते में आ रहा है, जिसकी कोई अभी तक सुरक्षा नहीं हो पा रही है और कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जी, तो आपने बताया वन माफियाओं का एक खेल सामने होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कब से आपके संज्ञान में है, आपको कब से पता है कि ये होता आ रहा है? ये लगातार ये कई वर्षों से, कई बार हमने पूर्व में जब विधायक था विधानसभा में भी इसको लेकर मैंने कई बार सवाल भी लगाए थे, कितना इलाका था, कितना हो गया है, लेकिन सरकार जानते हुए भी इन सब चीजों से अनजान बनी हुई है, और कहीं ना कहीं आँख के नीचे ये वनों की कटाई हो रही है और आम आदमी परेशान है। जो लगातार जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम गर्मी, भीषण गर्मी का सामना करते हैं, बारिश अनिवन हो रही है, इन सभी के कारण है ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। लेकिन भोपाल से नजदीक होने के बाद में जहाँ पे सारे आला अधिकारी होते हैं उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है, लेकिन सरकार इसको कोई कड़क कदम नहीं उठा पा रही है। जी, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि ये मिली भगत है, तो वही आप इस पे क्या कुछ किया जा सकता है सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा? इच्छा शक्ति होनी है चाहे कोई भी हो, अगर वन माफिया को कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा प्रदान की जाएगी या उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलेगा तो ये अंधाधुंध कटाई तो होगी ही ना, जो भी इसमें संलिप्त है उनसे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। धन्यवाद। तो ये छावर में एक मामला सामने आ रहा है जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और वन को काट के उसमें खेती बाड़ी की जा रही है, तो कर्मचारी पेड़ कटवा कर खेत बनवा रहे, यह मामला सामने आया है, तो वन विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मिली भगत है अधिकारियों के साथ।